नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो नारायणपुर से है। नक्सली इलाके में एनआईए की छापेमारी की जा रही है। सड़क नाकेबंदी मामले में ये कार्रवाई की गई है और 20 मार्च 2023 को नारायणपुर में नाकाबंदी हट गई थी। बता दें एनआईए ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और जांच में 35 माओवादियों के नाम सामने निकल कर आए हैं। लखमाकोरम पर माओवादी होने का आरोप लगा है, तो माड़ बचाओ मंच के वो नेता हैं और एनआईए ने प्रेस नोट भी इसको लेकर जारी किया है। तो बड़ी खबर नारायणपुर से, आपको एक बार फिर से बता दें नक्सली इलाके में एनआईए की तरफ से छापेमारी हुई है। सड़क नाकेबंदी का ये पूरा मामला था जिसमें ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो 20 मार्च 2023 को नारायणपुर में ये नाकेबंदी की गई थी और एनआईए ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ये जो जांच है इसमें 35 माओवादियों के नाम सामने निकल कर आए हैं। लखमाकोरम की बात की जाए तो उन पर माओवादी होने का आरोप लगा है, तो ये एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि लखमाकोरम की अगर हम बात करें तो माड़ बचाओ मंच के वो नेता हैं जिन पर नक्सली होने का आरोप लगा है और अब इस पूरे मामले में एनआईए की तरफ से प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं नक्सली इलाका जहां पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम कर करेंगे। जुल्फिकार, देखिए एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई और इसमें कई बड़ी बातें सामने निकल कर आई है, ताजा अपडेट दें। रितु, इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करने की बात कही, तो एक मोर्चे पर अगर हम देखें तो सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और उनके नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रही है जिसमें माओवादी मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार उन लोगों को घेर रही हैं जो कहीं ना कहीं माओवादियों के समर्थक हैं या सपोर्टर हैं। इस मामले में अगर देखें तो एनआईए की टीम ने जो सर्चिंग ऑपरेशन चलाया और जो रेड मारी है उसमें जो प्रेस ब्रीफ के जरिए जानकारी दी उसके मुताबिक नारायणपुर में 20 मार्च 2023 को सड़क नाकेबंदी की गई थी जिसके आरोप में ये पूरी एनआईए की सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसमें 35 माओवादियों के नाम सामने आए थे। और अभी जो खबर आ रही है, जो जानकारी एनआईए की तरफ से, उसमें 4 माओवादियों की गिरफ्तारी भी की गई है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात ये है कि माड़ बचाओ आंदोलन के जो नेता हैं लखमाकोरम, उनको ऊपर भी नक्सली होने का आरोप है। तो ऐसे में ये जो कार्रवाई की जा रही है, तो जो बात कही जाती रही है कि शहरी नेटवर्क है नक्सलियों का और उस पर जब तक लगाम नहीं कसेगी तब तक माओवादियों के जो सिंथेटाइजर हैं जो शहरों में बैठे हैं, बड़े शहरों में बैठे हैं, अगर उनमें भी अगर और अलग अलग विंग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो नक्सलियों के समर्थक हैं तो इन पर जब अंकुश लगेगा तो माओवाद पर एक कड़ी नकेल कसी जाएगी। उसी कड़ी में अगर देखें तो ये बड़ी कार्रवाई है जिसमें सीधे तौर से 35 लोगों के नाम सामने आए हैं, 4 की गिरफ्तारी हुई है। तो शहर में बैठे हुए लोग, कस्बों में बैठे हुए लोग, उन पर भी आप केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर ये लोग हैं और इन पर कार्रवाई की जा रही है। तो इसके ये उम्मीद जताई जा रही है कि सभी मोर्चों में माओवाद के खिलाफ जो लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार लड़ रही है और इस तरीके से कंबाइन तौर से कार्रवाई होंगी जो शहरी क्षेत्र और अंदरूनी इलाकों में, तो इसके जो परिणाम है वो बेहतर आ सकते हैं। और जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक माओवाद खत्म होगा, तो ये हो सकता है कि एक मील का पत्थर ये तमाम कार्रवाई में साबित हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए।